अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस बॉम्बे स्टाइल कराची हलवे की रेसिपी, जिसे आप घर के ही इंग्रेडिएंट से आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो चलिए आइए शेयर करती हूँ मैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें अपने बाउल में 1 कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेना है और 2 कप पानी ऐड कर देना है। जितना कॉर्नफ्लावर लेना है उसका डबल हमें पानी चाहिए, और विस्कर की मदद से अच्छी तरीके से इसे विक्स कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने गैस की तरफ। हमें अपने बर्तन में उसी कप से 2 कप भर के चीनी लेना है, यानी 1 कप कॉर्नफ्लावर और 2 कप चीनी दुगना, और 2 ही कप पानी ऐड कर लेना है। और इसे अच्छी तरीके से उबाल आने तक हमें चलाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से आप हिलाएंगे और थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऐसे उबल जाएगा, और जब इसमें हल्का सा स्टिकीपन आ जाए तो हमें जो अपना कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था उसे इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर लेना है। डालने से पहले आप उसे हिला ज़रूर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा जमने लग जाएगा, तो इस मोमेंट में आपको इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर लेना है और इसे चलाते रहना है, और थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल एकदम पारदर्शी पानी टाइप में बन जाएगा। ये देखिए अब इस टाइम में हमें इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कर लेना है। ये घी मेरे घर का ही बना हुआ है, जिसे मैंने ही बनाया है। ये देखिए घी ऐड कर लेने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अब हम इसमें 2-3 इलायची कूट के डाल देंगे और थोड़ा सा केवड़ा डाल देंगे ताकि इसका खुशबू बढ़िया सा आए। ज़्यादा केवड़ा नहीं डालना, नहीं तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, ये ऑप्शनल है, आपके पास जो भी है, तिल है और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट डाल के हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना फूड कलर। फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया है। अब मैंने इसे अपने बर्तन में डिश आउट कर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से भी डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडे होने के बाद इसे कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है वीडियो की, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। आपको इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने देना है, और ठंडा होते ही ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। आप इसे किसी भी टाइम में बना के खा सकते हैं, चाहे आपके घर में मेहमान आए, चाहे आपका कोई भी फेस्टिवल हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए बिल्कुल जेली टाइप में बना है, और हमने इसमें जेलेटिन भी इस्तेमाल नहीं किया, और कितना बढ़िया माशाल्लाह से ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको, कितना बढ़िया, ये जितना बढ़िया बना है खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। तो इस तरीके से आप बॉम्बे स्टाइल कराची हलवा एकदम इजी तरीके से बनाकर किसी भी मौके पर सर्व कर सकते हैं, और खाने वाले आपके बिना तारीफ किए हुए नहीं रहेंगे। तो यहीं से वीडियो का अपने एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।